छत्तीसगढ़ में प्रदेश सरकार की वादा खिलाफी व कोरोना संकट के प्रति लापरवाही को लेकर प्रदेश भाजपा कार्यकर्ताओं ने अनोखे तरीके से प्रदर्शन करते नजर आए, जहां भाजपा कार्यकर्ता ने दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक कांग्रेस सरकार की वादे पूरी नहीं करने के खिलाफ अपने घर के द्वार पर ही बैठकर विरोध प्रदर्शन करते रहे। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश भर में प्रदेश सरकार की वादा खिलाफी और कोरोना संकट के प्रति गंभीर लापरवाही को लेकर आंदोलन किया। प्रदेश भर के भाजपा कार्यकर्ता अपराध 3 बजे से 5 बजे तक कांग्रेस सरकार द्वारा वायदे पूरे नहीं करने के खिलाफ भाजपा अपने घर के द्वार अथवा बाहर चबूतरे पर प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना दे रहे हैं। ये आंदोलन 2 घंटे चला। धरना प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने डंडे बैनरों के साथ सामुदायिक दूरी का पालन करते नजर आए। रायगढ़ जिले में भी भारतीय जनता पार्टी की हजारों कार्यकर्ता अपने अपने घरों के सामने बैठकर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। प्रदेश की कांग्रेस सरकार की वादा खिलाफी का अनोखे तरीके से आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेस द्वारा सत्ता की भूख में को पूरा करने के लिए अपने घोषणा पत्र में आम जनता के लिए विभिन्न घोषणाएं की गई थी। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 2,500 रुपये किसानों को बोनस देने का वायदा किया था, जिसका उन्होंने मांग पूरी नहीं की। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में शराबबंदी की बात कही थी, उसकी मांग पूरी नहीं की गई। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बेरोजगार युवाओं को 2,500 रुपये भत्ता देने की बात कही थी, उसे पूरा नहीं किया गया। निराश्रित पेंशन को बढ़ाने की बात कही थी, उसको पूरा नहीं किया गया। हम आज इस एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के माध्यम से कांग्रेस के द्वारा 685 रुपये धान के अंतर राशि का बोनस देने की बात की गई थी, उसे भी पूरा नहीं किया गया। हम आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के माध्यम से कांग्रेस की गूंगी बहरी सरकार को के कान तक हमारी बात पहुंचे, इसलिए यह कार्यक्रम रखे हैं। और हम छत्तीसगढ़ के आम जनता के हितों के लिए जब तक यह सरकार अपने घोषणा पत्र को पूरा नहीं करेगी, हम इसी प्रकार लगातार कार्यक्रम और आंदोलन करते रहेंगे। सोशल डिस्टेंस का आप लोग पालन कर रहे हैं, और सभी बताएंगे जिले भर में लगभग कितने कार्यकर्ता और नेता लगभग जिले भर में लगभग 6,000 से 8,000 कार्यकर्ता इस धरने के कार्यक्रम में बैठ रहे हैं। जहां तक मैं रायगढ़ की बात करूं, बैठे बैठे मैं सोशल मीडिया को अभी देख रहा था, लगभग 150 से 200 कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी फोटोएं डाली है। मैं कह सकता हूं निश्चित रूप से, यह अगर आप व्यक्तिगत रूप से इसे चेक करना भी चाहेंगे तो सोशल मीडिया के माध्यम से आपको यह कार्यक्रम की अच्छे से जानकारी प्राप्त हो सकती है। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।